उसके लिए हमें जानना होगा लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। उदाहरण के लिए अगर हम 2x और 5x को लिखते हैं तो क्योंकि दोनों में बिल्कुल सेम वेरिएबल है और सेम डिग्री का है इसलिए इनको लाइक टर्म बोलेंगे, लेकिन अगर 2x और 3x स्क्वायर लिख दिया जाए तो भले ही वेरिएबल दोनों में सेम है लेकिन इसमें x का पावर 1 है और इसमें x का पावर 2 है, मतलब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो इसलिए हम इन दोनों को बोलेंगे अनलाइक टर्म। या और भी उदाहरण हो सकता है, जैसे 3y एंड 2x, 3y एंड 2x क्या ये दोनों लाइक टर्म होंगे या अनलाइक टर्म होंगे? ये अनलाइक टर्म होंगे क्योंकि इसका वेरिएबल y है और इसका वेरिएबल x है। कहने का मतलब यह हुआ कि जब तक दोनों ही टर्म में वेरिएबल एकदम से ना मिल जाए, एकदम से मतलब उनका डिग्री भी मिलना चाहिए, एकदम से जब तक ना मिले तब तक हम लोग उसको लाइक टर्म नहीं कह सकते हैं। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस केवल लाइक टर्म में ही संभव है। क्यों? इसका जवाब देखो। जैसे अगर यहां पर लिखा जाए 5 dogs और 7 dogs, अगर ये लिखा जाए और एक और दे दिया जाए 3 cows। अब देखो, क्योंकि यहां पर डॉग्स और डॉग्स लाइक टर्म है तो इन दोनों को आप जोड़ सकते हैं और 5 dogs और 7 dogs मिलकर के कितने हो जाएंगे? 12 dogs। यानी इसमें एडिशन का प्रोसेस पॉसिबल है। इसी तरीका से अगर हम 5 dogs को 3 cows में बोलें जोड़ने के लिए, तो क्योंकि डॉग्स और cows सिमिलर नहीं है, मतलब पता नहीं चलेगा कि जुड़ने के बाद डॉग्स आएंगे या cows आएंगे, यही कारण है इनका ना तो एडिशन संभव है और ना ही सब्ट्रैक्शन संभव है। इसलिए याद रखें, एडिशन या सब्ट्रैक्शन जब भी होगा तो लाइक टर्म में ही होगा, अनलाइक टर्म में ये नहीं होंगे। रूल्स को सीखने के पहले एक मैग्नीट्यूड निकालना सीखें। अगर पूछा जाए 8 और 5 इन दोनों में बड़ा कौन है? ओके, न्यूमेरिकली आप बोलोगे कि 8 बड़ा है 5 छोटा है, लेकिन अगर -8 और -5 में अगर पूछा जाए कि अब बड़ा कौन है तो आप बोलोगे -5 बड़ा है और -8 छोटा है। हाँ, मैथमेटिकली में ऐसा होता है, लेकिन अगर हम आपको यह बतलाएं 8 का मैग्नीट्यूड 8 आएगा और -8 का मैग्नीट्यूड भी 8 आएगा, है ना? तो हम लोग इसी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं और बार बार एक शब्द इस्तेमाल करेंगे और वो क्या होगा? मैग्नीट्यूड। अगर इसी में यह बोला जाए कि -8 का मैग्नीट्यूड और -5 का मैग्नीट्यूड, अब दोनों में कौन बड़ा है? तो आप बोलिएगा कि -8 का मैग्नीट्यूड बड़ा है क्योंकि इसका वैल्यू आपको 8 आने वाला है और इसका वैल्यू 5 आने वाला है, इसलिए -8 का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। तो अभी जो आपको समझाया जाए बड़ा और छोटा, वो केवल मैग्नीट्यूड से ही समझना है। बात समझ में आया कि अगर आपको लाइक टर्म्स दिखाई दे तभी उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, अदरवाइज उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। सेकेंड, अगर लाइक साइंस आपको दिखाई दे, जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो इस केस में आपको जोड़ना होगा। लेकिन अगर आपको दिखाई दे प्लस माइनस
या माइनस प्लस, तब आपको इसमें घटाना होगा। और इसमें जो थर्ड रूल है वो ये है कि जो भी आपका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का जो साइन होगा, उस रिजल्ट का वही साइन होगा जो उन दोनों टर्म में, जो उन दोनों में क्या होगा, बड़ा होगा यानी ग्रेटर होगा। तो ग्रेटर का साइन ही रिजल्ट का साइन यहां पे होगा। तो हमारे पास तीन रूल है। पहला, लाइक टर्म के बीच में ही जोड़ या घटाओं का प्रोसेस होगा। पहला रूल, लाइक टर्म के बीच में ही जोड़ या घटाओं का प्रोसेस होगा। इसके बाद दूसरा रूल, हर एक टर्म के अपने साइन होते हैं। तो जब हर एक टर्म के अपने साइन होते हैं तो हो सकता है आपके जो दो टर्म हैं दोनों ही प्लस में हो, या ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो दोनों टर्म है दोनों ही माइनस में हो। तो अगर आपके पास दो टर्म है जिनमें एक ही तरह के दोनों का साइन होगा तो आप उनको बेशक जोड़िए, जोड़िए आप। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा आया कि आपका एक टर्म तो प्लस में है लेकिन दूसरा टर्म माइनस में है, या एक टर्म माइनस में है और दूसरा प्लस में है, तो बेशक आप इसमें मत जोड़िए, आप घटा दीजिए। यही आपका सेकंड रूल है। अब जोड़ने या घटाने के बाद आपको कुछ ना कुछ तो आएगा। जो भी रिजल्ट आए जोड़ने या घटाने के बाद, सवाल यह है कि उस रिजल्ट का साइन क्या होगा, प्लस होगा या माइनस। तो दोनों में आप देखिए कि बड़ा कौन है, दोनों में आप देखिए कि किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। ध्यान दीजिए, मैग्नीट्यूड शब्द बोला गया। दोनों में जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा आप उसी का साइन दीजिए, यही नियम होता है। उदाहरण से समझिए, क्योंकि ये दोनों प्लस में है बेशक आप जोड़िए, इन दोनों में फाइव बड़ा है प्लस में है आप इसका साइन प्लस कीजिए। मतलब जो बड़ा होगा उसी का साइन आपको लिखना है। यहां पर क्या है, दोनों माइनस में है जोड़िए, और इन दोनों में मैग्नीट्यूड किनका बड़ा है, माइनस फाइव का, आप इनका भी रिजल्ट माइनस में दीजिए। इन दोनों में क्या है, दोनों प्लस में नहीं है, दोनों माइनस में नहीं है, एक प्लस में है और एक माइनस में है। बेशक घटाइए, बड़ा में से छोटा को घटाइए आपको दो आएगा, क्योंकि फाइव में से थ्री को घटाइएगा टू ही आएगा। इन दोनों में इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, क्योंकि थ्री का मैग्नीट्यूड आपका थ्री होगा और माइनस फाइव का मैग्नीट्यूड फाइव होगा। तो माइनस फाइव का मैग्नीट्यूड बड़ा हो रहा है, इसलिए इसका जो साइन माइनस है यहां पे चला आएगा। और इसी तरीका से अगर माइनस थ्री और फाइव को आपको जोड़ना है तो, क्योंकि साइन यहां पर आपके अलग अलग है, माइनस प्लस घटाइए, बड़ा में से छोटा को घटाइए, लेकिन यहां पर फाइव का मैग्नीट्यूड बड़ा है, ये प्लस में है, इसलिए आपको यहां प्लस देना होगा। अब एक कंफ्यूजन आती है कि हमने आपको ऐड दिया है, ऐड इट मींस जोड़ना, ठीक है। तो लाइक जो साइंस है प्लस प्लस या माइनस माइनस, आप बेसिकली दोनों में जोड़े, ठीक है। लेकिन ऐड करना है और प्लस माइनस के केस में आप ऐड नहीं घटा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, नहीं कुछ नहीं हो रहा है, एडिशन ही हो रहा है। सबट्रैक्शन में केवल एक रूल अलग होता है और वो रूल ये है, आप इनको दोबारा देखें, क्योंकि जो नीचे वाले टर्म है हमें उनको घटाना है, तो इसमें केवल एक रूल अलग होता है। नीचे वाले यानी जिनको घटाना है उनके साइन को आप बदल देते हैं, चेंज करते हैं। तो यहाँ पर फाइव को घटाना है, या भी कोई साइन नहीं है यानी प्लस में है, आप इसके साइन को माइनस लिखें, माइनस बिल्कुल इसके नीचे लिखें, इसके सामने माइनस नहीं लिखें, इसके नीचे लिखें, ताकि ये पता चले कि शुरू में क्या था बाद में क्या किया गया। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सबट्रैक्शन बना रहे हो, माइनस में है तो साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस वाला क्या हो जाएंगे, प्लस, और जो प्लस में है जो दिखाई नहीं दे रहा है वो प्लस में होता है वो माइनस। अब नए साइन के साथ आप जोड़ का रूल लगाएं, जैसे ये प्लस में है और ये माइनस में है, दो अलग प्रकार के साइन आए घटाएं, आपको दो आएगा क्योंकि बड़ा में से छोटा को घटाइएगा दो आएगा। अब बताएं
3 के मैग्नीट्यूड और 5 के मैग्नीट्यूड में किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है? 5 का, और इसका साइन माइनस है तो रिजल्ट का साइन भी माइनस में आएगा। इन दोनों में आप देखें, एक माइनस में है और एक प्लस में है, बेशक आप घटाएं, और क्योंकि 5 का मैग्नीट्यूड इसमें बड़ा है और इसका साइन अब प्लस है तो रिजल्ट का साइन भी प्लस होगा। यहां पर 3 भी प्लस में है, 5 भी प्लस में है, आप इनको जोड़ें, बड़ा का जो भी साइन है प्लस वो आप इसको दे दें। यहां पर क्या है, यहां पर दोनों माइनस में है, जोड़ें, और क्योंकि इसमें 5 का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा आप इनमें साइन सेट कर दें। तो आपने क्या देखा, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रूल बिल्कुल भी अलग नहीं है, सेम रूल पर दोनों काम करते हैं। अंतर केवल यह है कि सब्ट्रैक्शन में हमें जिनको घटाना होता है केवल उनका साइन हम लोग अलग कर देते हैं। इसका भी कारण है, कारण यह है, जैसे आपको अगर लिखना है कि 5 में से -3 को घटाएं, यानी कि 5 में से घटाएं किसको, -3 को, 5 में से घटाएं किसको, -3 को, तो ध्यान रखें यहां पर जो 5 में से आप -3 को घटाइएगा तो माइनस माइनस आपको दो बार आ गया, तो ये दोनों साइन माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, घटाने के क्रम में जो माइनस थे वो आगे भी एक माइनस है, उसके कारण वो प्लस बन गया। अगर यही होता 5 माइनस प्लस 3 तो क्या होता, ये प्लस एंड माइनस मिलकर क्या बन जाता, माइनस, यानी ये बोला जाएगा कि प्लस चेंज होकर माइनस हो गया, ठीक है। तो इसी तरीका से जिन्हें घटाना होता है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट आप कर रहे हो, यही कारण है आप उनके साइन को पलट देते हो। और यहां पर जो भी दिखाया गया है, जिनको घटाया जा रहा है, हमने उनके साइन को बदला है, जो प्लस था उसे माइनस किया है और जो माइनस था उसे हमने प्लस किया है। क्यों? क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना था। तो हमने क्या देखा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम रूल होते हैं, केवल सब्ट्रैक्शन में जिन्हें घटाना होता है उनका साइन हम लोग चेंज करते हैं।